हे गाइस, अ वेरी गुड इवनिंग बोलूँ? इवनिंग बोलना सही रहेगा, हो सकता है क्योंकि रात में 8 बज रहे हैं, तो इवनिंग बोल सकती हूँ अभी। हाँ, सो नमस्कार बोल देती हूँ, सबसे अच्छा वो रहेगा। नमस्कार आप सभी को मेरा, और आज का ब्लॉग मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ बिकॉज पूरे दिन आपको मैं बता नहीं सकती, मैं बहुत तकलीफ़ में थी। सो इसके वजह से मैंने कोई ब्लॉगिंग वगैरह कुछ नहीं की है। तकलीफ़ में रहने का कारण क्या था? पुट ऑन होने की वजह से, ज़्यादा वज़न बढ़ने की वजह से होता है ना, कि ज़्यादा चलने की वजह से, मतलब जब इंसान का फैट ज़्यादा हो जाता है, उसके ज़्यादा ज़्यादा वॉक करता है या फिर कुछ भी ऐसा करता है, तो दोनों पैरों के बीच में एक रगड़ हो जाती है, जैसे कि इसमें इचिंग तो नहीं होती है, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा वो घाव सा बन जाता है, चिड़चिड़ाता है, तकलीफ दे होता है। तो मुझे कुछ वैसा सा प्रॉब्लम हो गया है जिसकी वजह से मेरा चलना फिरना सब कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो तकलीफ़ में थी इसलिए ब्लॉगिंग नहीं कर पाई। और मेरे पास है यहाँ पे पनीर, लेकिन पता नहीं दिवाकर से किसने दिया। दिवाकर आपको ये कागज़ में लपेट के पनीर दिया हुआ है? कागज़ में लपेट के किसने दिया है ये? मतलब कैसे? स्टोर से? मदर डेयरी से? तो मदर डेयरी में आप पनीर के कागज़ में लपेट के देते हैं? कागज़ में लपेट के दिया है पनीर। तो इस पनीर को मैं क्या करती हूँ कि एक बर्तन में रख के पानी डाल के रख देती हूँ, क्योंकि सुबह मुझे पनीर की ज़रूरत पड़ेगी। अभी तो नहीं है, सुबह लेकिन पड़ेगी ज़रूरत। तो पानी डाल, पनीर में मैंने पानी डाल दिया है और इसको मैं रख दे रही हूँ। वैसे मुझे सुबह यूज़ करना है, जब मुझे यूज़ नहीं करना होता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि पनीर का पानी बदल दिया करूँ, क्योंकि पनीर का अगर पानी नहीं बदलेंगे, ये मुझे झुका भी नहीं जा रहा, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। ओके, तो मैं डिनर बनाने जा रही हूँ अपने लिए। दिवाकर और डुगू का डिनर बाहर, मतलब आलू के पराठे खाने वाले हैं वो, जो कि दिवाकर लेके आए हैं। और मेरा डिनर जो होगा मैं घर पे बनाने वाली हूँ। तो क्या बनाऊँगी मैं, क्या बनाऊँगी? तो आज मैं बनाने वाली हूँ मशरूम, मशरूम बनाऊँगी मैं, आज ही लेके आई हूँ उसको। तो आज मैं सॉल्टेड मशरूम बनाने वाली हूँ विथ टोमेटोज, और उसके साथ बनाऊँगी एक चीला बेसन का, नॉट आटे का। ऊपर तो खैर मशरूम हैं जो भी थोड़े बहुत गंदे हैं, और इसके अंदर देखिए कितना कचड़ा है, कितना ज़्यादा कचड़ा रखा है इसके अंदर। तो इसको बिना धोए तो रखने लायक खैर है ही नहीं। यहाँ मैंने पैन चढ़ा दिया ताकि गर्म हो रहा है, तब तक मैं दूसरा काम करती हूँ अपना। ये है बेसन, बेसन में डाला है मैंने थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्ची, थोड़ा सा जीरा पाउडर और हल्का सा गरम मसाला। बिल्कुल सब कुछ मैंने एक पिंच पिंच में ही डाला है, क्योंकि मुझे एक ही चीला बनाना है। और इसको मैं उसके बाद घोल लूँगी। जीरा पाउडर मैं हर चीज़ में डालती हूँ, कारण क्या है कि जीरा पाउडर डालने से एक अच्छी सी महक आ जाती है किसी भी खाने में, तो जीरा पाउडर ज़रूर ऐड करना चाहिए। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसमें, और इसको एक बैटर की तरह, जैसे एक चीरे का बैटर होता है बेसिकली, हमें वही कर लेना है यहाँ पे। ओ ओ ओ हाँ, यहाँ रखो। तो थोड़ा सा बिगाड़ा है बट इसके पानी जाएगा इसमें थोड़ा सा, और बस इतने ही पानी जाएगा इसमें। वेरी गुड सोनिया, वेरी गुड।
बैटर इज रेडी। कितना फ्रिक्वेंटली हो गया ना बैटर रेडी। ओके तो इसका चीला बनेगा और इसमें मसाला डाल देती हूँ। अभी मेरा ये गर्म हो चुका है तो इसमें जाएगा हल्का सा, बिल्कुल लाइक हल्का सा, या कह लीजिए कि नाप पाओगे, ढक्कन है, ढक्कन से नाप लेते हैं, कोई बात नहीं। नाप तौल के एक ढक्कन दे, बस तेल को हम कर लेंगे अच्छे से स्प्रेड, पूरे में फैला लेंगे इसको। और जैसे ये फैल जाएगा, इसमें मैंने थोड़ी सी अनियन काटी हुई है तो हल्की सी अनियन डाल दी और थोड़ी सी हरी मिर्ची डाल दी, थोड़ी ज़्यादा डाल देती हूँ हरी मिर्ची। ओके हल्का सा सॉटे कर लेंगे इसको, पकाना कुछ भी नहीं है, पकाएंगे हम कुछ भी नहीं, सिर्फ सॉटे करना है। अब हल्का सा इसमें टमाटर, एक पूरा हल्का सा नहीं, एक पूरा टमाटर, टमाटर के बाद मैं इसमें इमीडिएटली डालने वाली हूँ मशरूम। ओ ओ ओ ये मेरा फर्स्ट टाइम था इसलिए गिर गया इतना, बट मैं ट्राई कर रही हूँ कि इसे मैं इसी तरीके से सॉटे करूँ। गिरेगा एक दो बार तभी होगा, बट गुड सोनिया अच्छा ट्राई था, वेरी गुड। यस इसमें जाएगा हल्का सा नमक, हल्की सी मिर्ची, इसको आधा कच्चा और आधा पक्का रखना है मुझे, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है मशरूम को भी, और बहुत ज़्यादा कच्चा नहीं रखना, मतलब अध कच्चा अध पक्का जो भी इसे बोलते हो। ओके जल्दी से लाल मिर्च का पाउडर निकाल लो उसमें से। यस हल्का सा गरम मसाला, ये भी गरम मसाला एक पिंच बस, अब हो रहा है वेरी गुड। रेडी, तवा गरम हो रहा है मेरा यहाँ पे और फटाफट से मेरा तवा गरम होने के तुरंत बाद ही मैं इसमें डाल दे रही हूँ अपना बैटर चीले का, वन चीले के लिए इतना बैटर इनफ है। फटाफट से स्प्रेड कर देंगे, डन विद दिस। जल्दी से बातें करते करते मैंने अपना फटाफट से डिनर भी बना लिया है और डिनर मेरा बन चुका है, रेडी है, रेडी टू ईट है। बस मैं फटाक से ही बोल सकते हैं इसको बना के तैयार करके चलते हैं खाने खाने के लिए बैठते हैं, क्योंकि लेट हो रहा है खाना खाने के लिए, लेट हो रहा है और विदाउट ऑयल बनाया है फिलहाल तो मैंने। ओके टाइम फाइनली मैंने एक बन बना लिया यार, बहुत गर्मी लग रही थी और मैं अपना खाना लेके आ चुकी हूँ, सिर्फ मेरा नहीं दिवाकर का भी खाना आ चुका है। हाँ तो ये है दिवाकर जी का खाना और इस खाने में क्या क्या है दिखते हैं चलो। ये है मिक्स वेज, ये वाली मिक्स वेज है चाय जो कि दिवाकर की बहुत फेवरेट हो गई है आजकल खाने के साथ, आलू के नान पराठे कुछ भी कह लो। और ये है भरवा मिर्ची का अचार जो कि वो पराठे के साथ खाएंगे। तो ये दिवाकर जी का खाना है और ये मेरा खाना है, चीला बेसन का हरी धनिया और पुदीने की चटनी और मशरूम विथ टमाटोज।
अपने इतना अच्छा मेन्यू लेके बैठे हुए हैं लेकिन फिर भी दूसरों का जरूर चखना है। तुम्हारा कुछ ज्यादा अच्छा लग रहा है। मेरा ज्यादा अच्छा नहीं, मेरे पास तेल भी नहीं है, कुछ और भी नहीं है। आपका अच्छा है, आप खाओ अपना। हेलो, यम। बिना तेल के भी अच्छा खाना बनता है। चीला चखना तो बनता है चटनी के साथ। मेरा खाना पास है, बिना तेल के ही पास है। आपका? आप तो भर भर के तेल, आप तो भर भर के चाय भी, मिर्ची भी, तेल वाली अचार की। और ये मिर्ची का अचार तो देख रहे हैं ना आप लोग, ये मुझे मौसी ने दिया था। तीन अचार दिए हैं, एक आंवले का दिया है, अदरक का, और ये भरवा मिर्ची दी है। तीनों दिवाकर ही खाते हैं। मैं अचार की बहुत बड़ी शौकीन हुई नहीं, मुझे अचार अच्छे नहीं लगते ना। तुम बताओ, कब देखा आपने मुझे अचार खाते हुए? अरे नहीं अच्छा लगता। नहीं आप बोल रहे हो ना, तुम बताओगे। तो मैं पूछ रहा हूँ, आज तक कभी देखा जल्दी से अचार अचार खाते हो? मुझे अचार वगैरह की शौकीन नहीं हूँ। मुझे सिरका अच्छा लगता है, सिरके का अचार अच्छा लगता है, जो गन्ने का रस का सिरका होता है ना, मुझे उसका अचार अच्छा लगता है, और कुछ नहीं। इतनी रात में मेरे यहाँ मंदिर लगाया जा रहा है। कितने बज रहे हैं? लमसम एक बज रहा है। लगभग लगभग एक बज रहा है। हाँ, और टाइम नहीं मिल पा रहा था मुझे। ये क्या किया, ये कौन सा जुगाड़ किया है आपने, दिखाना जरा। ये एक्चुअली क्या, पूरा बहुत ज्यादा स्पेस यहाँ पे ले रहा था, बहुत ज्यादा स्पेस है। हाँ। टेबल का कहीं और यूटिलाइज कर लेंगे हम लोग। हाँ। और ये दीपक को जलाने के लिए यहाँ पे किनारे भी हो गया। और नहीं लगाया क्या है, चीज है क्या ये? ये ये टीवी का है, टीवी का वो जो सेटअप बॉक्स रखने का नहीं आया था। हाँ। तो अब इस पे मैं क्या करूँगा, एक ये बता रहा हूँ, जुगाड़ लगाने में कुछ करना तो पड़ेगा। इस पे यहाँ रख दिया जाएगा। फाइनली मैं लेट गई हूँ सोने के लिए। आप लोगों को जिसका इंतजार रहता है हमेशा, वो बंदर आ चुका है। कौन है आप? डुगू? डुगू है। डुगू है? हाँ। अच्छा, डुगू का क्या नाम है? अंदर त्रिपाठी। अध्ययन त्रिपाठी। डुगू त्रिपाठी, अंदर त्रिपाठी। डुगू त्रिपाठी और अध्ययन त्रिपाठी। डुगू के अंदर त्रिपाठी, अध्ययन त्रिपाठी। ओके, डुगू अभी कंप्लेंट लेके आया था अपने पापा की, मेरे से कुछ शिकायत करने आया था। क्या शिकायत करने आया था, क्या हुआ डुगू, क्या हुआ था? बोल दिया दिला दे अंकल। ऐसे ऐसे बोल दिया? और क्या बोला आपको? मुझे कुछ नहीं बोला। और कुछ नहीं बोला? हाँ, ये दादे बस गंती बद, मैंने बोला मैं खेल जाऊँ बोल, मैंने कहा गंती बद गई गंती। अच्छा, और आप ये पराठा इतनी देर तक क्यों खा रहे हो? मैं अभी और खाऊंगा चपाचा, उसका नाम है चपाचा, इसका नाम है पराठा, और मैं भी और खाऊंगा चपाचप। चपाचा मेरी अंजन उसका। अच्छा, ओके। पापा से कुछ कहना है आपको? हाँ। क्या कहना है पापा से? कहेंगे खाना खाए। अच्छा, मैं बोलूंगा खाना नहीं खाया। अच्छा, मैं बोलूंगा उससे, उनसे मैं लिख सिंगा बनूंगा, पंडा पे करूंगा पंडा पे। अच्छा, मम्मी पापा में कौन अच्छा है? अच्छा, मम्मी अच्छी है, पापा अच्छे? बेटा दोनों अच्छे, आप दोनों अच्छे हैं। हाँ। नहीं, ज्यादा अच्छा कौन है? ये आप हो, ये आप हो। अच्छा, एक एक को बताओ ना, एक एक इंसान बताओ जो ज्यादा अच्छा हो। ये दो है, ये पापा है, ये मम्मी है आप। अच्छा अच्छा कौन है इसमें से? दोनों उंगली पे बता दिए, पापा। हाँ। है देखो, ये यू के मम्मी मम्मी है, वो अमन के
ये शिबू के पापा है। किसके पापा है? शिबू के अपू के नाम है सॉरी। शिबू कहाँ है? शिबू चला गया चलाबियों के। कहाँ गया शिबू? शिबू कहाँ है? मम्मी के पास। इसको याद है, इसको शिबू बहुत अच्छे से याद है, बहुत अच्छे से। और ये दिन भर में दो तीन बार नाम ले लेता है उसका। हाँ मम्मी, हम बोलते हैं साइकिल चलाने के, बैट बॉल खेलेंगे। देखो पापा की चिन्ना एक दांत टूटी है यहाँ पे। बोला पापा के दांत टूटी है। कहाँ टूटी है दांत? यहाँ दांत टूटी है पापा का, यहाँ पे। एक कलर, एक कलर शादी है। बाय बोल दो सबको, सबको बोल दो हाय, बोल दो, बोल दो हाय 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 हाय, बोल दो हाय गाइस। सो गाइस, अभी रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है और मैं मिलूंगी मॉर्निंग में। अब इनको दिखा दो, मैं शाम को मिलूंगा, सो मैं सो के साइकिल चलाऊंगा, अभी शाम हो जाएगी। सुबह मिलती हूँ, अभी रात बहुत ज़्यादा हो गई है और डुगी सुबह को बहुत याद करता है। एक बात तो है, हाय कलो बाय बाय। वो बाद बाद में सिब्बू का नाम ले लेता है। और डुगू ये भी कारण है कि उसे सब कुछ याद है, वो उसका मेमोरी बहुत शार्प है यार, बहुत। पापा मारने के किसने बोला? किसने बोला था तुमसे ये सब? आप बोलो ऐसे पापा मारेंगे, मारेंगे मुझे अभी शाम को। तो तुम बदमाशी क्यों कर रहे थे? मैंने डुगू को, डुगू बहुत शैतानी कर रहा था, तो मैंने उसे कहा था डुगू मैं बोलती तुम्हें थप्पड़ मार दूंगी, तो आप लोगों से कह रहा है कि मुझे बोली थी ऐसे थप्पड़ मारने को। चल गए उन्हें ऐसे मारा और ऐसे मारा। अरे नहीं 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 नहीं, अब मैं रख और डुगू नहीं करो। अब इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड कर रही हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिस यू, लव यू।